हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ विंटर स्पेशल स्किन केयर होममेड रेमेडी। इस रेमेडी को आपको दो बार अप्लाई करना है, सुबह नहाने के बाद और रात को सोने के पहले। इस विंटर मैंने भी इस रेमेडी को अप्लाई किया, मेरी स्किन बहुत ही सॉफ्ट एंड हेल्दी रही, तो सोचा क्यों नहीं इस रेमेडी को आपके साथ शेयर करूँ। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब किए बगैर जाइएगा नहीं, और मुझे मेरे चैनल को जरूर सपोर्ट करें। वीडियो को एंड तक जरूर देखें, और अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर करें। आप इस वीडियो को जरूर शेयर करें आपके फैमिली और फ्रेंड्स में, ताकि उन्हें भी इस रेमेडी से फायदा हो और उनकी भी स्किन सॉफ्ट एंड हेल्दी रहे। महंगे प्रोडक्ट्स लाने से अच्छा विदाउट केमिकल होममेड रेमेडी बनाएं और अपनी स्किन को हेल्दी बनाएं। आइए देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। इसके लिए मैंने एलोवेरा लिया है। एलोवेरा के साइड के कॉर्नर्स हम निकाल देंगे। एलोवेरा बहुत ही इजीली अवेलेबल हो जाता है, आजकल तो सभी लोग इसे अपने घर में लगाने भी लगे हैं। अगर आपके यहाँ एलोवेरा नहीं है तो कोई बात नहीं, आज ही आप मार्केट से इसे लेके आइए और अपने घर में जरूर लगाएं, क्योंकि एलोवेरा से बहुत से फायदे होते हैं। ये देखिए, एक साइड से मैं इसकी स्किन निकाल रही हूँ। इसकी स्किन निकालना बहुत ही आसान है। अभी हम एक मिक्सर का जार लेंगे और एक स्पून की सहायता से इसका पल्प हम निकाल लेंगे। अभी हम इसे मिक्सर में से निकाल लेंगे। ये देखिए, मिक्सर में अच्छा क्रश हो गया है। अभी एक बाउल लिया है मैंने, जिसमें मैंने 2 टेबलस्पून प्योर रोज वाटर डाला है। मार्केट में आपको बहुत से कंपनी के रोज वाटर मिलेंगे, मैंने आयुर्वेदिक दुकान से रोज वाटर लाया है। अब ये आपके ऊपर है कि आपको कौन सी कंपनी का रोज वाटर यूज करना है। बंदे कोशिश प्योर रोज वाटर ही यूज करें। मैंने 2 बार इसमें 1/2 टीस्पून ग्लिसरीन ऐड किया है, मतलब टोटल मैंने 1 टीस्पून इसमें ग्लिसरीन डाला है। शायद आप देख सकते होंगे इसमें 1/2 टीस्पून लिखा है, आपको मेजरमेंट दिखा रही हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे है। टोटल मैंने 1 टीस्पून ग्लिसरीन ऐड किया है। ऐसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें मैं 1 टेबलस्पून एलोवेरा लिक्विड ऐड कर रही हूँ, इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब एक स्प्रे वाली बॉटल में हम इसे फिल कर लेंगे। आप चाहे तो इसे छान कर भी फिल कर सकते हैं। इसे भरने के बाद इसका ढक्कन हम बंद कर देंगे। ढक्कन बंद करने के बाद इसे अच्छे से एक बार शेक कर लेंगे और फिर इसे अप्लाई करें। आप इसे अपनी स्किन पर दिन में 2 बार अप्लाई करें, एक नहाने के बाद और रात को सोने के पहले। इससे आपकी स्किन गारंटेड सॉफ्ट एंड हेल्दी हो जाएगी। आप इसे जब चाहे तब अपने घर पे बना सकते हैं, विदाउट केमिकल होममेड स्किन केयर रेमेडी। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा अपने कमेंट के द्वारा मुझे जरूर बताएं। आप इस रेमेडी को अपने घर पर जरूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक जरूर दीजिएगा कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। मेरी वीडियो को लाइक करें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें आपकी फैमिली और फ्रेंड्स में, ताकि उन्हें भी इस रेमेडी का फायदा हो और उनकी भी स्किन सॉफ्ट एंड हेल्दी बने। इसी तरह मेरे चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सपोर्ट करें, वीडियोज को लाइक करें, शेयर करें। आप सभी दोस्तों का सपोर्ट मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आप अपना और अपने फैमिली की सेहत का ध्यान जरूर रखें। मिलते हैं और एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे होम स्टे सेफ। वीडियो को लाइक जरूर करें, लाइक किए बगैर जाएगा नहीं। सब्सक्राइब जरूर करें अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और हाँ, वीडियो को शेयर जरूर करें। एंजॉय विंटर एंड टेक केयर। बाय बाय।